Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. So this is second day in Turkey, Istanbul and नीचे पता नहीं कौन बोल रहे हैं अंकल, खैर छोड़ो. सेकेंड डे इन टर्की. कल हमारी बहुत ख्वारी हुई, हमने होटल बुक नहीं किया हुआ था. होटल ढूंढने में बहुत देर हो गई और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी. हम घूमते रहे कहाँ ले. खैर कल का दिन फिर मैंने वो बाद में ब्लॉग बनाया ही नहीं. तो फिर होटल रूम में आने के बाद हम लोग जो है बाहर चले गए थे इस्तकलाल पे. हमने होटल जो है बिल्कुल इस्तकलाल के साथ लिया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो अभी हम जा रहे हैं गलाटा टावर और वहाँ से प्रॉबेबली बॉस्फोरस टूर पे. तो देखते हैं क्या सीन है. तो अभी मैं आपको जल्दी जल्दी से होटल रूम का टूर करवा देता हूँ. तो दिस इज आवर रूम और लड़कों का रूम है तो ऐसा मेस्ड अप भी होगा. यहाँ पे एक ये बेड है जो मैंने संभाला हुआ है और दूसरा ये बेड है जो अयाज ने संभाला हुआ है क्योंकि उसको ज़्यादा बेड की ज़रूरत है. खैर किडिंग. तो ये एक अलमारी है, यहाँ पे ये फ्रिज है, सब कुछ है ऑलमोस्ट. यहाँ ये हमारी चिकन चार्ज में पड़ी हुई है. ये वॉशरूम है जिसमें अभी अयाज है तो मैं दिखा नहीं सकता. और यहाँ से ये वाला सीन बहुत फिट है, मतलब ये जो इसकी मतलब कि आप कहते हैं विंडोज़ जो है ना, और ये बैठने की जगह, ये बहुत फिट जगह है. यहाँ से आप बैठ के नीचे, क्योंकि ये मेन गली है पब्स की और सारे रेस्टोरेंट्स की, तो आप यहाँ से जा बैठ के लोग देख सकते हैं. अभी तो यहाँ पे कोई रश नहीं है, लेकिन रात को यहाँ पे सुबह के 5 बजे तक म्यूज़िक रश और पता नहीं शोर क्या क्या. बोला अगर तो आपने सुकून में रहना है और यहाँ से ये मतलब अगर तो आपने सुकून में रहना है तो रात को सुकून से सोना है तो दिस होटल इज़ नॉट फॉर यू. लेकिन अगर आप शोर में भी सो सकते हो तो फिर ये जगह अच्छी है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है. यहाँ से डायरेक्टली आप ये जो स्ट्रीट है यहाँ से निकल के राइट साइड पे इस्तकलाल स्ट्रीट है. इस्तकलाल से आप फिर वो मेन स्ट्रीट ही है जहाँ पे भी जाना चाहें. सो या ये था रूम टूर. अब हम निकलते हैं बाहर के लिए. तो अभी हम जा रहे हैं गलाटा टावर की साइड. वहाँ पे ना एक कैफे है जहाँ पे बीफ बर्गर्स मिलते हैं. लास्ट टाइम मैंने और हफ्सा ने खाए थे. तो अभी हम जा रहे हैं, मैं अयाज को बर्गर खिलाने जा रहा हूँ. तो चलते हैं जी, लेट्स गो. ये है जी इस्तकलाल स्ट्रीट. यहाँ से ट्रैम चलती है और वो एंड पे जाके हमें एक कैफे पे जाना है. फिर वहाँ से हमने जाना है गलाटा टावर. हाँ जी, तो ये इस्तकलाल की साइड पे एक गली है जिसमें कैफेज हैं और ये बहुत अच्छी लग रही है. आई डोंट नो वीडियो में कैसी लग रही है, लेकिन वैसे बहुत अच्छी है. और ये अयाज ने दिखाई है, कह रहा है यहाँ की वीडियो बना. तो यहाँ पे आके इस्तकलाल स्ट्रीट ख़त्म हो जाती है और फिर यहाँ से नीचे रास्ता जाता है गलाटा टावर की तरफ और हम वहीं जा रहे हैं अभी. ये रहा मैं सोच रहा था कि शायद मे भी ना हो या बंद हो गया, बट ये शॉप है जहाँ से हमने बर्गर खाना है, दिस वन. तो वी आर फाइनली हियर. हम आ गए हैं कसाब, पता नहीं क्या है, कसाब बर्गर जो भी है भाई, इसका बर्गर अच्छा है. और ये यहाँ से अयाज साहब बैठे हैं जिनको भूख से हाल बुरा हुआ है ना यार. अच्छा जी, तो हम अंदर आ गए हैं क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी हो रही थी. और ये इनका मेन्यू है, प्याज ने खाना है चिकन. आई डोंट नो व्हाई चिकन यार, चिकन में बर्गर कौन खाता है भाई. चिकन में बस थोड़ा अलग तरह का पेट. हमने एक जगह से जैसे ही खाना खाया तो इनका पेट खराब हो गया, तभी ये थोड़ा हल्का सीन रखना चाहता है. खैर इसने चिकन अपना कर लिया और हम खाएंगे इनका स्टेक वाला बर्गर. आ गया जी हमारा बर्गर. ये है बीफ स्टेक और ये है अयाज का चिकन. लग तो बहुत अच्छा रहा है. ड्रिंक्स भी आ गई, दिस वन इज ट्रॉपिकाना पीच और ये है जी कोक जीरो मैक्स कहते हैं इसे यहाँ पे. तो अभी हम खाते हैं अपना बर्गर जी. बर्गर खाते हैं, बर्गर गर्म लग रहा है, बड़ा जूसी सा है. देखेंगे सेम है यानी जो पहले था जैसे. बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1.5 साल पहले था. हाँ जी, खाना खा लिया है और खाना खा के नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स गलाटा. ये कैंडी शॉप है जो लास्ट टाइम हफ्सा को अच्छी लगी थी. तो यहाँ से मुड़ते ही आ जाएगा गलाटा का.
कलर का था। अभी देखते हैं टिकट काउंटर पे कितना रश है। अगर तो टिकट काउंटर पे रश है फिर तो हम प्रॉब्ली ऊपर नहीं जाएंगे, अगर रश नहीं है तो फिर जाते हैं। रश तो लग रहा है भाई, रश तो बहुत है। ये लाइन है टिकट की और ये लाइन है अंदर जाने की। तो अब अयास को टिकट की लाइन पे खड़ा करता हूँ, मैं उस लाइन पे खड़ा होता हूँ तो ताकि दोनों लाइन एक साथ कवर हो जाए। भाई हमारा मूड चेंज हो गया क्योंकि लाइन बहुत बढ़िया और इतनी देर खड़े होने का कोई मूड नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे और नीचे जाके हम जाते हैं किसी कैफे शॉप पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद जाते हैं वो शिप पकड़ते हैं अपना उसकी बॉस्फोरस टूर की। जाना नाम है मैंने यहाँ से अयास को भेज दिया घर क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं अकेला क्या करूँ, तो जाता हूँ यहाँ से देखता हूँ कोई सीन, वरना फिर मैं भी चला ही जाऊंगा होटल और क्या कर सकता। लेट्स गो। ये आ गए जी हम गलाटा ब्रिज पे, यहाँ से ये ब्रिज है और यहाँ पे लास्ट टाइम हमने चॉकलेट्स खाई थी और हमने चाय पी थी। अभी मैं वहीं जाता हूँ चॉकलेट लेता हूँ वही वाली। और ये होटल है जहाँ से ये शॉप है, यहाँ से हमने लास्ट टाइम ली थी चॉकलेट। इन लोगों ने ना वो सीन ख़त्म कर दिया, पहले जो चॉकलेट्स पड़ी होती थी लास्ट टाइम हमने ली थी वो अभी है नहीं, सारी पैक्ड है। तो बस फिर यहाँ से कोई दो चार चॉकलेट्स लेते हैं और चाय लेते हैं और बाहर बैठते हैं। चलो अभी आई नीड वन चाय ओके एंड दीज फॉर लाइक 10-15 लीरा, आई जस्ट नीड 2-3 पीसेस फॉर टेस्ट 10 लीरा। बहुत अच्छी है। तो वो सामने गलाटा ब्रिज से मैं वॉक करते हुए यहाँ पे आ गया था। इस साइड है मतलब ब्रिज और यहाँ पे ये एक अंकल जो है फिशिंग कर रहे हैं, एक तो नहीं बहुत सारे लोग फिशिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हुए हैं, कोई लोग बियर पी रहे हैं तो कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कोई कुछ खा रहे हैं। तो मतलब इट्स सो गुड है ना, आपको ना यहाँ पे ना कोई कुछ जज नहीं करता, आपकी मर्जी आप जो करो, लड़कियाँ जिस कपड़ों में घूमें कोई देखता नहीं, कोई जज नहीं करता। फैमिलीज बैठी होंगी, हर किस्म के लोग बैठे होंगे, भाई में भी लोग मिल जाएंगे और आपको टॉप्स में भी लोग मिल जाएंगे, तो ना ही कोई किसी को कुछ कहता है ना ही जज करता है। तो इनका सीन ये है कि ना इनको एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट मिला हुआ है, ये लोग काम करते हैं, काम करने के अलावा फिर लाइफ को इन्जॉय भी करते हैं। अब देखें ना ये लोग कैसे मतलब कि अंकल लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं, सारा सीन ऑन है, यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं पीसफुली, मतलब कि किसी चीज़ का डर नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग लैक करते हैं वहाँ पे, हमारे पास ये फ्रीडम नहीं है इस तरह की और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो यहाँ पे लोगों के पास है। हमारे पास तो भाई ये सीन होता है कि बस सिर्फ काम करो, काम के अलावा बाहर खाना खा लो या होटल पे चाय पी लो, खाने और चाय के अलावा और कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ से फिर मैं थोड़ी देर बाद सनसेट देख के फिर जाता हूँ अपना इस्तकलाल पे, आइसक्रीम में कुछ चीज़ें लेनी है वो लेके फिर चलते हैं होटल। सनसेट हो गया और लोग अभी तक एंजॉय कर रहे हैं सनसेट को, और भाई आपका जा रहा है पता नहीं कहाँ, देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। यहाँ पर सबकी पिकनिक्स चल रही हैं, पार्टीज चल रही हैं, भाई सीन ऑन है।
आज मे भी रश इसलिए भी ज़्यादा है कि आज संडे है ना, तो शायद इसलिए ज़्यादा लोग आए हैं, ज़्यादा फैमिली आई है। मैं यहाँ से देखता हूँ कहाँ रास्ता जाता है, फिर मैंने वापस जाना है अपना इस्तकलाल पे, तो बस फिर चलते हैं। मगरिब के बाद लाइट्स लाइट अप हो के ये सब कुछ ऐसा दिखता है। ये ब्रिज, अब पता नहीं इसका नाम अता तो ब्रिज है भी या नहीं, बट जो भी है यही ब्रिज है एक, ये ऐसे दिखता है। हमने मस्जिद है और मगरिब का टाइम हो रहा है और ये यहाँ पे लोग टर्किश डांस कर रहे हैं बाहर ही। तो भाई ये है फ्रीडम, जिसको नमाज पढ़नी है पढ़े जाके नमाज, जिसको नहीं पढ़नी जो करना है वो कर ले। ये हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा होता तो फिर आपको सोच लें क्या होता, इसलिए तो टूरिस्ट आते नहीं हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फ्रीडम देनी होती है। यहाँ पे इस्तांबुल में दुनिया के मतलब हर कंट्री से लोग आते हैं, और अगर आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे तो फिर कौन आएगा। यहाँ पे इनको सब कुछ अलाउड है, तो जिसको नमाज़ पढ़नी हो नमाज भी पढ़ रहा है, जिसको डांस करनी हो डांस भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग बियर्स पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है जिसको जो करना है, तभी तो इनके पास इतने सारे लोग आते हैं। यहाँ से एक फ्रेश जूस मंगवाया, फ्रेश जूस पी के फिर निकलते हैं वापस। और ये जगह भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा है। लॉल हो गया अपने साथ, मैंने मीडियम ये सोच के मंगवाया था कि यार चलो मीडियम जो है वो सही साइज़ होगा, बट ये तो भाई स्मॉल से भी छोटा है वहाँ के। खैर जूस ठीक है लेकिन ठंडा नहीं। अभी कैन यू प्लीज ऐड सम आइस इन इट, आइस कोल्ड? यस आइस। ये टैक्सी पकड़ी है मैंने तकसीम जाने के लिए, बड़ी प्रो सी, बड़ा प्रो सा स्टीयरिंग लगाया हुआ भाई ने, और वो सामने ऊपर गला कटा हुआ है। अभी ना इसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आई है तो कहता है कि यार वो जाना मुझ पर, मेरी बड़ी मॉनिटरिंग करती है मेरी गर्लफ्रेंड। भाई ये पाकिस्तानी सीन भी यही है, टर्की में भी वही सीन चल रहा है, लड़कियों का ना, लड़कियों का हर जगह वही सीन है सेम। हाँ जी, तो मैं होटल चला गया था क्योंकि मैं थक गया था, फिर होटल से मैं निकला तो एक हो गए, और यहाँ पे वो जो रेस्टोरेंट थे देसी वो बंद हैं, और टर्किश खाना मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर मैं यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, लोग ले रहे थे रोल्स, तो मैंने सोचा मैं भी लेके देख लेता हूँ। अब ये रोल लिया है जिसमें मीट है, फ्राइज हैं, और पता नहीं क्या क्या है, बस पिकल्स हैं और टमाटोज हैं। तो अब ये खा के देखते हैं कि ये कैसा है। अच्छा है बस थोड़ा फीका है, इतना भी नहीं, बस ठीक है, सही है, बस अच्छा है। खाना पीना इज डन, बट चाय रह गई मेरी, क्योंकि चाय के बगैर गुजारा नहीं होता, बट यहाँ पे देसी चाय मिलती नहीं है, क्या करें। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट में बताएं कि क्या नाम है, हम क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियोज़ में। सो या अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।